अगला टॉपिक जो है हमारा वो इसी से थोड़ा सा मिला जुला है, जो इसी मैथमेटिकल टूल है। नेक्स्ट जो टूल है उसका क्या नाम है हमारा, इंटीग्रेशन। इसकी आपको अगर लिटरल मीनिंग पता है कि मतलब इसकी इंग्लिश में क्या है, इंटीग्रेट करना मतलब इंग्लिश का मतलब जोड़ना, कई चीज़ों को एक में जोड़ देना। हम इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाना हमारे लिए काम का नहीं है। हमें मेनली, आप ज़्यादा डिटेल अपने मैथ्स वाले पेपर में पढ़ सकते हैं, हमें मेनली यहाँ पे इसका यूज़ करना सीखना है। तो यूज़ करने के लिए हम एक बेसिक सा ये लेते हैं कि अगर कोई फंक्शन दिया जाए, डिफरेंशिएशन का जो साइन था कैसे थे, डी बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ पे जो फंक्शन सपोज वाई रहता था कोई भी, यहाँ पे अब जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ वाई आ गया, डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया, सपोज कोई वैल्यू आ गई हमारे पास, मान लीजिए आ गया एक्स स्क्वायर, सपोज डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक। अब हमें देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन। अभी डिफरेंशिएशन में हम क्या निकालते थे, हमारे पास एक फंक्शन दिया होता था वाई होता था, जो कि एक्स का एक फंक्शन होता था, वाई इक्वल्स एफ एक्स होता था। हम निकालते क्या थे कि डेल्टा वाई, हम क्या निकालते थे, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, और क्या इसमें कंडीशन रहती थी, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। मतलब कि जब ऐसी कंडीशन जहाँ पे डेल्टा एक्स की जो वैल्यू हो जीरो के आसपास हो, जीरो के एकदम पास हो, लिमिट टेंड कर रही हो एक्स की, डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के टेंड कर रही हो, वहां पे हम उस कंडीशन में डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालते थे, मतलब इसका रेशियो निकालते थे। और ये हमारा क्या था, इसको हम क्या बोलते थे, वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स। इंटीग्रेशन में इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है कि आपको ये वैल्यू दी रहेगी, डी वाई बाई डी एक्स वाली वैल्यू आपको दी रहेगी, मतलब कि आपको दिया है कि डी वाई दिया है आपको, और डी वाई बाई डी एक्स यानी कह सकते हैं आपको दिया है, आपको निकालना है वाई की वैल्यू कितनी है। मतलब आपको अब ये जो रेट है वो दिया है आपको, उससे फंक्शन निकालना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, एफ एक्स की वैल्यू क्या है। एक एग्जांपल करते हैं समझ जाएंगे आप। जैसे सपोज इसमें दिया है, हम वही पहले लेकर चलते हैं कि अगर हमारा वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सपोज इसको एक बार मिटाते हैं, स्टार्ट करते हैं, अगर वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, सपोज वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यानी हम इसको अब डी वाई बाई डी एक्स लिख के ना लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सीधा वाई डैश लिखेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड है, क्या है, तो वाई डैश क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, टू एन इंटू एक्स पावर एन माइनस वन, टू एक्स, डी बाई डी एक्स क्या आएगा हमारा, टू एक्स। अब हमें, अब आप ये समझिए कि हमको ये, हमने ये स्टेप नहीं किया, हमको ये नहीं पता है, हमको क्या दिया है कि भैया डी वाई बाई डी एक्स जो है, ये डी वाई बाई डी एक्स है ना, डी वाई बाई डी एक्स टू एक्स है। हमें पूछा गया है इंटीग्रेशन के लिए, हमें पूछा जाएगा कि y की वैल्यू बताओ, कि dy by dx है हमारे पास, तो y की वैल्यू बताओ। y की वैल्यू कैसे हम बताएंगे, इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन करके, इंटीग्रेशन करके कैसे वैल्यू बताएंगे, जरा देखते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है कि आप कई जो रेट है, जो चेंज का रेट है डिफरेंशिएशन, उसी को आप उल्टा करके फंक्शन का वैल्यू निकाल लीजिए। फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, चलिए हमें dy वाई बाई डी एक्स दिया है 2x, तो क्या दिया है, dy वाई बाई डी एक्स जो है वो है 2x, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, इसका क्या मतलब होगा हमारे लिए, इसका क्या मतलब होगा, यहाँ पे लिखते हैं कि जो dy है वो है 2x इंटू डी एक्स, है ना, लिख सकते हैं ना, dy वाई बाई डी एक्स में dx को, dx और dy को हम इंडिविजुअल वेरिएबल्स की तरह देख सकते हैं, कि dy भी एक वेरिएबल है, dx भी एक वेरिएबल है, तो dy की वैल्यू क्या आ गई, 2x into dx। अब ये dy क्या था, बहुत छोटा सा चेंज इन y, अ वेरी स्मॉल चेंज इन y, और dx क्या था, वेरी स्मॉल चेंज इन x। अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे, y निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब आ रहा है इंटीग्रेशन हमारा, क्या करेंगे, ये सिंबल देख रहे हैं, ये ऐसे हल्का सा ऐसा लग रहा है कि जो s है, जैसे s होता है, s सिंबल इंग्लिश का, इसको पकड़ के खींच दिया गया हो, ये ऊपर से यहां से भी पकड़ के खींच दिया गया हो, नीचे से भी पकड़ के खींच दिया गया हो, तो ये कैसे बन जाएगा, थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, ऐसे ऐसे टेढ़ा रहेगा, ये लंबा सा, और यही इसका मतलब भी है। आप इसको देखिए, तो ये सिंबल जो सिंबल है वो लगभग इसी को रिप्रेजेंट करता है, एस मतलब समेशन, समेशन कर देना है, मतलब आपको सम कर देना है, आपको जो रेट थी छोटे छोटे वैल्यूज में जो थी, कि अगर इतनी छोटी वैल्यू में चेंज होता है तो वाई में क्या चेंज आएगा, आपको ये दिया रहता है, आपको सम करके निकालना होता है कि वाई की एक्चुअल पूरी वैल्यू क्या है, और उसी लिए इसका साइन ऐसे कुछ है, ये जो जिसे हम सांप की तरह कह सकते हैं, ये ऐसे साइन है, ये समेशन की तरह का साइन है। तो अगर आप यहाँ पे कर दें, अभी हम दिखाते हैं क्या है, अगर ये फंक्शन यहाँ पे ऐसे लगा दें ये सिंबल, और इधर भी ये सिंबल लगा दें,
तो इक्वेलिटी पे तो कोई असर नहीं आएगा, है ना। अगर अगर ये एक तरफ एक हाथ है, एक तरफ दूसरा हाथ है, दोनों कहते हैं एक दूसरे के बराबर हैं, तो अगर इसमें से एक उंगली तोड़ दें, इसमें से भी उंगली तोड़ दें, तो कोई अंतर तो आएगा नहीं, दोनों हाथ बराबर जाएंगे। वैसे ही अगर डी वाई 2x इंटू डी एक्स के बराबर है, तो अगर इधर भी ये वाला सिंबल लगा दें, क्या सिंबल है हमको नहीं पता फिलहाल, लेकिन ये वाला सिंबल हम लगा दिए हैं और इधर भी ये वाला सिंबल लगा दिए हैं, तो दोनों बराबर रहेंगे, ये हमें पता है कि अगर दोनों तरफ बराबर ऑपरेशन करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इक्वलिटी हमारी बनी रहेगी दोनों की। अब वैल्यू चेंज नहीं, इक्वलिटी बनी रहेगी। अब ये क्या हम कहेंगे कि जो इंटीग्रेशन है ऑफ डी वाई, ये क्या होता है वाई, यही हमारी वैल्यू है वाई, मतलब वाई को हम सम कर दिए। अब निकालना है कि 2x into dx क्या होगा, है ना। अब निकालना है 2x into dx क्या होगा, इसके लिए इसको ये अभी ऐसे लिख देते हैं 2x into dx। अब इसके लिए आपका एक जो आसान तरीका है, जो सबसे पहला जो बेसिक तरीका यूज करते हैं हम, मतलब जो छोटे फंक्शन है, बहुत छोटा सा फंक्शन है 2x, हम एक ऐसा कोई फंक्शन ढूंढते हैं जिसका जो डिफरेंशिएशन हो वो 2x हो। समझिए, हम ऐसा कोई फंक्शन ढूंढते हैं, सपोज कोई फंक्शन है fx, हम ढूंढते हैं कि fx की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए जो इम्प्लाई करेगा कि d ऑफ dx d by d ऑफ dy by मतलब d by dx ऑफ x fx जो हो वो हमारा क्या हो 2x हो, ऐसा कौन सा फंक्शन होगा। अगर आप थोड़ा सा सोचें आपको समझ में आ जाएगा, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर आएगा, मतलब fx की वैल्यू जो क्या रहेगी इसे होनी चाहिए x स्क्वायर। अगर ये x स्क्वायर रहेगा तो d by dx ऑफ fx जो होगा वो 2x होगा। मतलब क्या है कि d by dx ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स 2x, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2x यहाँ पे है, वहां पे हम d by dx ऑफ x स्क्वायर लिख सकते हैं ना, है ना, 2d by dx ऑफ x स्क्वायर। हमें यहाँ से बस यही करना है, हमें यहाँ से dx को हटाना है किसी तरह से, ये dx मतलब स्मॉल चेंज, और जो d होगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा, क्योंकि d जो है ये यहाँ पे देखिए d और ये डी क्या कहता है डिफरेंशिएट कर दो, मतलब स्मॉल चेंज, और ये जो इंटीग्रेशन का साइन है ये क्या कहता है सम कर दो, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को ऐसे हम कह सकते हैं कि ये काट देते हैं दूसरे को, और यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या बचती है केवल वाई बचती है जो कि यहाँ पे आई है, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है हमारा। यहाँ पे अब देखिए 2x की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, 2x की जगह पे ये वैल्यू उठा के हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2x के बराबर है, तो पुट करते हैं वैल्यू, चलिए पुट करते हैं, तो वैल्यू क्या करते हैं, ये क्या हम लिख सकते हैं y को हम क्या लिख सकते हैं, अब इंटीग्रेशन ऑफ, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये सिंबल किसका है इंटीग्रेशन का, d by dx ऑफ 2x ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर 2x से हम क्या लिख सकते हैं d by dx ऑफ x स्क्वायर into dx। अब देखिए dx डिनोमिनेटर में, dx न्यूमरेटर में, dx जो है वो अंश में भी है हर में भी है, यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा इंटीग्रल ऑफ डी एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल और डी जो है, जो डिफरेंशिएशन का सिंबल है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक। तो हमारा क्या आएगा यहाँ से वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर, वाई का जो यहाँ पे एफ एक्स एफ डैश एक्स था उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा एक्स स्क्वायर। लेकिन एक चीज यहाँ पे और है, यहाँ पे हम एक चीज और लिख देते हैं, ऐसे लिखते हैं प्लस ये सी, ये इसकी फाइनल वैल्यू है। अब ये देखते हैं सी क्या है, आप जरा समझिए कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है अगर, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, यानी अगर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है तो इसका डी बाई डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स अभी हमने देखा क्या आएगा 2x, ठीक। अगर मान लीजिए मैं कह रहा हूं आपसे कि y इक्वल्स, अगर ये कब है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर है, इसको अभी प्लस सी छोड़ दिए, तो डी वाई बाई डी एक्स 2x आएगा। बट इफ इफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 9, अगर y की वैल्यू ये है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 9, है ना, यही आएगा। और d by dx of x square क्या होता है 2x, और d by dx of 9 क्या होगा, कोई चेंज नहीं, 9 is a constant, so there will be no change in 9 if you change any, if you make any changes in x, तो जो x 9 का जो rate of change है वो 0 होगा, 0 क्या आ गया भाई, ये भी फिर से आ गया 2x। अब आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2x है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर y की value यहाँ पे क्या थी, y की value
एक्स स्क्वायर थी तो डीवाई बाई डी एक्स क्या आया था 2x, और जब हमने लिख दिया वाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दिया, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू एक ऐड कर दी तो डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या आई, तब भी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू हमारी वही आई 2x। तो अगर आपको कोई कह दे कि अब 2x आपको दिया है कि dy by dx 2x है, तो आप बताओ कि इंटीग्रेशन करने पर y की वैल्यू x square होगी या x square plus 9 होगी। कंफ्यूजन है ना, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू, दोनों का डिफरेंशिएशन होकर एक ही जा रहा है। अगर दो, आप मैथमेटिक्स में जो आप सेट थ्योरी है उसके बारे में बात करें कि अगर दो वैल्यूज हैं उनका जो इमेज है सेम है, तो अगर हम उसको फंक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते, फिर हमें नहीं समझ में आएगा कि इस फंक्शन की कौन सी वैल्यू होगी, मतलब इसको इंटीग्रेट करने पर क्या वह फंक्शन आएगा जिस पे ये वैल्यू d by dx ऑफ y जो रहेगी वो 2x रहे। मतलब कि अगर हम y की जगह पे x स्क्वायर रखेंगे तब भी 2x ही आएगा डिफरेंशिएशन पे, और y की जगह पे x स्क्वायर प्लस 9 रखेंगे तब भी 2x ही आएगा डिफरेंशिएशन पे। यहाँ पे प्लस 9 करके प्लस 10 भी कर दें तब भी डिफरेंशिएशन में 2x ही आएगा। तो ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम यहाँ पे एक वैल्यू लिख दें c। c क्या यहाँ पे डिनोट करता है कि ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। c क्या है, कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है। इससे आपका ये क्लियर हो जाता है कि ये अब एक जनरल फंक्शन बन गया, अब एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं रह गया। ये क्या कहता है, आप c की अलग अलग वैल्यूज रखते जाओ, y की अलग अलग वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। जैसे आपको c को अगर 1 रख दो तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा। ये एक फंक्शन है ना अलग x का। और अगर आप c की वैल्यू 10 रख दे तो y क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10। अब ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। हाँ, और इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि यहाँ पे आप एक कोई कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं, मतलब हो सकता है यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू रही हो एक्स स्क्वायर के साथ में, तब उसका डिफरेंशिएशन हमारा यहाँ पे ये आया था, कोई वैल्यू रही होगी तो हमारा डिफरेंशिएशन ये 2x आया था। उसी 2x उसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सी लिखते हैं। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम उसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सी। तो ये एक तरीका था, आई होप आपको ये तरीका समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन वो वैल्यू हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो अगर हम जैसे अभी करते थे कि यहाँ पे अगर हम करते थे कि d by dx of x power n, तो ये क्या बनता है, n into x power n minus 1। इंटीग्रेशन में इसी का जस्ट उल्टा है फॉर्मूला। आप अगर देखेंगे इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से फंक्शन ढूंढने वाले से, तो आपको समझ में आएगा कि ये है। तो इंटीग्रेशन में अगर आपको ऐसे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx, ये ध्यान रखिएगा इंटीग्रेशन में लास्ट में dx लगा ही लगा रहता है, क्योंकि dx ही है, क्योंकि dy by dx हमारे पास रहता है, dy by dx हमारे पास कुछ वैल्यू रहती है, सपोज रहती है p कोई वैल्यू, और इसी से हमारा आता है dy, और dy की वैल्यू क्या होती है p into dx। तो आप p की कोई भी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे dx लगा ही लगा रहेगा, p की आप चाहे जो वैल्यू रखेंगे यहाँ पे dx लगा ही लगा रहेगा। तो x पावर n dx हम निकालना है। तो यहाँ पे क्या होता था, n से आप मल्टीप्लाई करते हैं और n माइनस 1 आपको पावर में हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इंटीग्रेट करेंगे x पावर n को तो क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1, माइनस 1 हो रहा था n प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय अपॉन में एक वैल्यू आ जाएगी n प्लस 1। यहाँ पे देखिए n मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे n प्लस 1 डिवाइड कर देगा, मतलब x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। c का मतलब वही, ये कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू अगर इसके साथ हम ऐड कर दें तब भी इसका डिफरेंशिएशन सेम रहेगा। तो ये कॉन्स्टेंट दिखाता है कि हाँ यहाँ पे इसके साथ एक कांस्टेंट हो सकता है फंक्शन के साथ में, जो कि डिफरेंशिएट करने पर यही वैल्यू आएगी, मतलब कांस्टेंट गायब हो जाएगा। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी। सी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू, समझ में आया। ये हमारी थी वैल्यू, सॉरी ये थी हमारी वैल्यू इंटीग्रेशन की। ऐसे आपको अगर इंटीग्रेशन दिया जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, सपोज साइन एक्स डी एक्स, डी एक्स तो लगा ही लगा रहेगा क्योंकि डी एक्स यहाँ से आता है, आपको बताया हमने। और डी इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी माइनस ऑफ, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्या होगा, प्लस ऑफ साइन एक्स। डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स। इंटीग्रेशन जो होता है कॉस एक्स क्या होगा, प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ cos x प्लस सी। सी मतलब एक कोई कांस्टेंट। ऐसे ही आपको बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी अलग अलग फंक्शंस मिलेंगे, उनको अलग अलग इंटीग्रेट करना रहेगा। और ये इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू है, ये जो तरीका है इंटीग्रेशन का, ये जो ये हम यूज़ करेंगे आगे अपने फिजिक्स में, जो हमारा अगला टर्म आने वाला है मैथमेटिकल टूल्स के बाद में,
जो पहला हमारा कि मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, उसमें हम वेक्टर स्केलर्स और ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज थोड़ा करेंगे, आगे भी करते हैं क्योंकि फिजिक्स में इन्हीं का काम आगे बेसिकली बहुत काम लगता है, ये जो कैलकुलस पार्ट है इसे कैलकुलस बोलते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। और स्पेशली आपको वेक्टर कैलकुलस एक अलग ही वो आएगा चैप्टर, ये आएगा कि वेक्टर्स को आप कैसे कैलकुलस में रखते हैं, मतलब वेक्टर्स को कैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं, वो अलग चीज़ है वो हम देखेंगे। और ऐसे ही फॉर्मूले आपको कई सारे मिलेंगे और उस उन फॉर्मूलों की जो शीट है हमारे पास ये हमने पहले से रख दी है। ये देखिए ये जो शीट है इसमें हमारे सारे फॉर्मूले हैं, ये देखिए ये डिफरेंशिएशन हुआ था, उसके बगल में ही जो शीट आपको पिछले वीडियो में मिली थी वही शीट आपको इस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम सारे फंक्शंस की हमने आइडेंटिटीज लिख दी हैं कि आपको अगर एक पर्टिकुलर फंक्शन अगर किसी से करना है, कहीं से भी अगर आपको पर्टिकुलर फंक्शन का करना है तो इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज ये हैं हमारे पास कि आप ये फंक्शन आपके पास है dx का केवल इंटीग्रेशन है तो x प्लस सी हो जाएगा, x पावर n है तो अभी देखो मैंने बताया कि x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, अगर dx बाई x है मतलब 1 अपॉन x में है अगर तो उसका log x हो जाएगा, नेचुरल log ऑफ x प्लस सी। ये देखिए ऐसे पूरा ई एक्स, अभी ई पावर एक्स का वैल्यू जो था वो यहाँ पे भी नहीं चेंज होता है, ई पावर एक्स ना डिफरेंशिएशन में कुछ होता है उसको ना इंटीग्रेशन में कुछ होता है, वो अपना कॉन्स्टेंट वैल्यू यहाँ पे बनाए रहता है और प्लस सी हमारा है क्या रहता है, प्लस सी हमारा है, देखिए ई पावर एक्स अपना वैसे बना है यहाँ पे और प्लस सी तो हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं प्लस सी, सी जो लिख जाता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट है बस, ठीक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हाँ। और ऐसे आपके अगर एक पावर एक्स का है, अगर एक पावर ए की पावर एक्स है, अगर कोई कांस्टेंट ए मतलब कोई कांस्टेंट उसकी पावर एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो वन अपॉन एल एन एक्स ई पावर एक्स, ये आपके सारे अलग अलग फंक्शंस हैं जो आपको दिए हैं यहाँ पे देख लीजिए आप, साइन एक्स का माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, कॉस एक्स प्लस ऑफ साइन एक्स मतलब साइन एक्स पॉजिटिव नहीं रहेगा प्लस सी, टेन एक्स का क्या था माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ कॉस एक्स, कॉट एक्स का क्या होगा नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, ऐसे पूरी शीट है आप पूरी शीट उठाइए आप फॉर्मूलेज को अभी आप याद करने की रटने की जरूरत नहीं है, आप इनको फंक्शंस में जैसे यूज करेंगे अलग अलग, अभी आपको जब एग्जांपल्स आएंगे एग्जांपल्स पे अलग अलग आपको जब यूज आएगा ये अपने आप आपको बाय हार्ट हो जाएंगे, अपने आप याद को याद हो जाएंगे, आपको कहीं भी यूज करना होगा तुरंत आप देखिए, अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये सिंपल सा टूटता है, अगर आप इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो सिंपल सा टूट के आएगा x की पावर देखे x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या होगा ये वैल्यू इसकी आएगी 1 अपॉन ए sec इनवर्स मॉड x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्म ये जो फंक्शन है आपको एक बार देख लीजिए, इनको आप कहीं प्रिंट करा के चाहें तो रख लें कि आपको एक क्विक रेफरेंस मिल जाए जब भी आप इंटीग्रेशन में करें, और इन पे आप जो एक्सरसाइजेस होती हैं वो बुक से अपनी एक्सरसाइजेस सारी करें कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे डिफरेंट टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस टाइप करें, अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उस पे आप सॉल्व करें, उसी से आपकी अलग प्रैक्टिस होगी। अब ये तो था इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन में एक और चीज होती है, एक और चीज एग्जांपल इंपॉर्टेंट चीज है क्या होती है, अभी पिछली बार आपने जो कहा था ये था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट का मतलब क्या ये यही वाली वैल्यू जो प्लस सी है इसको अनडिफाइंड मतलब इनडेफिनिट कर देती है कि इसको आपको एक डेफिनेट कोई वैल्यू नहीं मिल पाती है कि ये वाई की क्या वैल्यू है जिसकी जिसका डिफरेंशिएशन हमारा यह है एक्स पावर एन, प्लस सी एक वैल्यू बना रहता है, एक आपका दूसरा है इसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्या बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल्स ये हैं आपके, ठीक है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स आपकी ये हैं, ये जो वैल्यूज थी ये, और इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं इसीलिए क्योंकि ये प्लस सी जो है सी की वैल्यू हमें पता नहीं है यहाँ पे कि सी की क्या वैल्यू होगी जब ये पूरा फंक्शन हमारे पास में आएगा, और इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में यही इशू होता है कि सी एक हमारे फंक्शन को जनरल बना देता है कि इसकी कई सारी वैल्यूज आप सी की रखते जाएं तो इसका अलग अलग वैल्यूज बनता चला जाएगा, एफ जो आपको जो एफ एक्स आ रहा है यानी वाई की जो वैल्यू आ रही है अलग अलग वैल्यूज मिलेंगी, और इंटीग्रल ही इंटीग्रल की साइन को ध्यान रखिएगा ये जो साइन है इसको इंटीग्रल साइन बोलते हैं कि आपको इंटीग्रेट करने को दिखाता है, डी आपको डिफरेंशिएट करने को दिखाता है, वैसे ये साइन जो आपको इंटीग्रेट करने दिखाता है। अब जरा देख लेते हैं कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होता है, क्या चीज डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रल
ये डेफिनेट इंटीग्रल और कुछ नहीं है, बस आपको जैसे निकालना है। सपोज आप अभी आप क्या निकालते थे, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर एन डी एक्स, ये क्या था हमारा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, कोई वैल्यू ऐसे प्लस सी। डिफरेंट इंटीग्रल में क्या होगा, ऐसे आपको ये साइन तो बना रहेगा, एक्स पावर एन भी रहेगा, डी एक्स तो रहेगा ही रहेगा। आपको यहाँ पे एक नीचे और ऊपर जो एस वाला सिंबल लंबा सा बना है, इसके नीचे ऊपर कुछ वैल्यूज दी रहेंगी। जैसे आपको यहाँ पे जीरो दिया है वन, इसे क्या बोलते हैं हम लोअर लिमिट अपर लिमिट, मतलब कि जो फंक्शन है हमारा उसकी वैल्यू हम क्या चाहते हैं। देखिए ये मतलब था समेशन सम, और सम की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, जीरो से वन तक। इस टाइप को कैसे लगाते हैं, इस टाइप कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू ये होता है। आप इसको इंटीग्रेट नॉर्मली करेंगे, ये जान के ही आप सोचिए कि अभी यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ है ही नहीं, हाँ ये चीज़ हमारे पास ये जीरो वन है ही नहीं। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब यहाँ पे आता है चेंज कि आपको प्लस सी नहीं लिखना है, सी अभी इनडेफिनिट जो जो ये डेफिनेट हमारा नहीं रहता था, इनडेफिनिट रहता था, वो चीज़ हट गया, हमारे पास अब एक डेफिनेट वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, ऐसे इसको इंक्लूज कर दीजिए ब्रैकेट में और ये जीरो वन अब लिमिट लगा दीजिए कि मतलब जीरो से वन के बीच में। और इसको मतलब क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब यही है कि आप पहले ये वाली वैल्यू रख दीजिए एक्स की जगह पे, फिर ये वाली वैल्यू रख दीजिए एक्स की जगह पे और देखिए क्या वैल्यू आएगी, पहले में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझिए एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन है, तो पहले हम अपर लिमिट जो है वन, ये हमारी अपर लिमिट है, ये क्या है अपर लिमिट, अपर लिमिट, और ये हमारी क्या है, ये क्या है हमारी जीरो जो है, ये है हमारी लोअर लिमिट, जीरो था हमारा, ये क्या है लोअर लिमिट, ठीक। अब इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे अब इंटीग्रेशन तो हमारा बेसिक फंक्शन का हो गया, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। अब इनकी जो लिमिट्स की वैल्यू है वो कैसे रखते हैं, आप पहले अपर लिमिट की वैल्यू रख दीजिए एक्स की जगह पे, यानी एक्स की जगह पे वन रहेगा, इसकी पावर एन प्लस वन, ठीक, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है, माइनस जीरो की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समझ में आया कि मतलब पहले एक्स की जगह पे आप अपर लिमिट की वैल्यू रख दीजिए पूरे फंक्शन को लिख के, फिर आप माइनस करके एक्स की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू रख दीजिए ये, और आप दोनों को सेपरेट कर दीजिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन प्लस वन तो नीचे कॉमन ही हो जाएगा और वन की पावर एन प्लस वन वन ही रहेगा भाई, कुछ भी आप रख लीजिए वन की पावर, कुछ भी रख लीजिए आप, जीरो भी रखेंगे तब भी वन की पावर वन ही रहेगी, माइनस जीरो की पावर आप कुछ भी रख दीजिए वो जीरो ही रहेगा, जीरो को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करें जीरो ही रहेगा, ये क्या आएगा वन अपॉन एन प्लस वन। आप देखिए यहाँ पे कोई सी वो का वैल्यू कोई वन नहीं आया, कोई सी नहीं आई यहाँ पे, यहाँ पे सिंपल हमारा एक डेफिनेट वैल्यू आ गया, क्या आ गया वाई, जो हमारा था वाई की वैल्यू हमारी ये आ गई वन अपॉन एन प्लस वन, इसीलिए इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। यहाँ पे वो जो इनडेफिनेट चीज आती थी सी, वो यहाँ पे नहीं आएगी। एक और एग्जाम्पल करते हैं, क्लास का एंड हो रहा है यहाँ पे, एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कौन सा एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ, हमने कहा जैसे किसी ने आपको कहा कि फाइंड करिए आप निकालिए किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और ये डेफिनेट इंटीग्रल निकालिए आप। डेफिनेट का मतलब आप इसकी वैल्यू हमें आप, आपको अपर और लोअर लिमिट दी है, अपर लिमिट लोअर लिमिट हमें को दी है, तो लोअर लिमिट हम यहाँ पे क्या रखते हैं, लोअर लिमिट हमें सपोज यहाँ पे आपको रख देते हैं जीरो, यहाँ पे डिग्री में हम काम करेंगे अपना, यहाँ पे लिख देते हैं सपोज जीरो डिग्री, और यहाँ पे जो रहेगा वो क्या वैल्यू रख देते हैं हम सपोज 45 डिग्री। ये वैल्यूज हैं, ये एक्स की वो वैल्यूज है जो यहाँ पे होंगी। अब देखिए आप यहाँ पे जीरो 45 है, ये एक्स की जगह पे आएगा तो एक एंगल में आएगा, इसी को आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको आप तो जीरो रहेगा ही, इसको आप जो 45 डिग्री है इसको आप क्या लिख सकते हैं, जो आपका पाई वाला सिस्टम है, टेंजेंट वाला सिस्टम, उसमें क्या लिखेंगे आप इसको पाई बाई फोर, क्या लिखेंगे आप इसको पाई बाई फोर, पाई डिवाइडेड बाई फोर, पाई बाई फोर क्या होता है, पाई 180 होता है, पाई बाई फोर 45 होगा हमारा, पाई बाई 290 होता है, पाई बाई फोर 45 होगा। अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू दी है, इसको आप ये भी 45 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है आपको, दोनों यहाँ पे सही है, 45 यहाँ पे लिख सकते हैं डिग्री में यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे फिर डिग्री में रहेगा ये वैल्यू, ये डिग्री वाली वैल्यू है। अब इसको निकालिए जरा, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अब पहले वही हमारा काम, लिमिट छोड़ दीजिए कि आपको ये ध्यान में ना दीजिए कि यहाँ पे कोई लिमिट जैसी कोई चीज़ लगी है,
और यहाँ पे सिंपल उसको इंटीग्रेट, तो साइन एक्स का क्या होगा, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स, और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे हम और क्या लिखेंगे, नीचे 0 डिग्री, ऊपर 45 डिग्री। ठीक, आप इनको वही वैल्यू रख दीजिए, एक्स की जगह पे पहले 45 डिग्री रखिए, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45 डिग्री, माइनस माइनस बाहर रहेगा, याद रखिएगा माइनस वाला बाहर रहेगा, माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री। ठीक, माइनस ऑफ कॉस ऑफ 45, कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, अगर कॉस 0 की वैल्यू देगी तो 1 हो जाती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो माइनस यहां पे बाहर लिखेंगे, ये तो होती है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, तो और कॉस में क्या चलता है, 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, 0/4, ये जो वैल्यू अंडर रूट में चलती है, आपको अगर ये याद होगा, या आपको डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको यहाँ से याद हो तो 2 × 1/√2 क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस 45 वैल्यू 1/√2। ठीक, माइनस कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, बस अब उसको आप सॉल्व कर लीजिए, माइनस सिंबल अंदर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 1 − 1/√2, क्या आएगा, √2 − 1/√2, ये आपकी वैल्यू आ गई वाई की, जो आपकी वाई वैल्यू फाइनल थी, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये इसकी वैल्यू है इंटीग्रल 0 to 45 डिग्री, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख दूँ, ये सब ब्रैकेट इस आएगा नहीं, 0 to 45 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, 0 to π/4 ऑफ साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, ये √2 − √2 − 1/√2। ठीक, तो ये हम इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। अब आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि डिफरेंशिएशन क्या है और इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, सिंबल क्या होता है, ये वाला सिंबल, ये जो इसको क्यों यूज करते हैं, क्या इसका यूज होता है, इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट शो करने के लिए। अब ये बेसिक हमारे क्लियर हो गए, अगली क्लास में हम देखेंगे अपने इनको जो ये जो हमारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं इनको हम यूज करेंगे, और अगली क्लास में इनका यूज करते हुए हम अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को, मैथ से हटके अपनी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को हम आगे समझेंगे।